So, just a minute, let me check whether we are live on YouTube as well. तो बच्चा पार्टी बेसिकली आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्या? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बीसीके का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज बीसीके चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होते रहता है। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या होता है, सिर्फ याद नहीं रहता है। तो यार इसको कैसे याद करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से याद हो सकता है, जो कि है रिविजन के कारण। तो रिपीटेटिव रिविजन अगर हम लोग करते रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को सारी चीजें याद रहेगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पीसीके चैप्टर नंबर 3 रिविजन। राइट, गुड इवनिंग तरंग कुमार, गुड इवनिंग टोनी, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग कृतिका, देन गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर, गुड इवनिंग अनामिका, दिव्यम, प्रिंस एंड ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। राइट, तो चलिए बच्चा पार्टी, में फटाफट से आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आज शाम में 6 बजे हम लोग फिर से लेने वाले एमसीक्यू का टेस्ट। ठीक है, तो आज शाम वी आर मीटिंग टुडे एज वेल इन द इवनिंग एट, कब? एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है। एमसीक्यू का टेस्ट कितने बजे? 6 बजे। कहाँ पर होगा? स्पेशल क्लास पर होने वाला है। ठीक है, सो एमसीक्यू का टेस्ट शाम 6 बजे, एमसीक्यू का टेस्ट आज 6 बजे। सर कुछ करिए ना, इंडिया मैच प्रिडिक्शन। हाँ बेटा, कमेंट्री शुरू कर देता हूँ, इंडिया इंग्लैंड की। ठीक है, अब यार मतलब इतना मजा आ रहा था, मैच देख रहा था, लेकिन अभी ना बहुत ही खराब हालत है हमारी। आई जस्ट विश कि हम लोग यार कुछ तो भी हो जाए और हम लोग जीत जाए। ठीक है, तो जस्ट बस इतना ही कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना यार। नहीं, मैच चला देता हूँ ना यहाँ पर। क्या बोलती पब्लिक, मैच चला दू यहाँ पर? ठीक है, कितना अच्छा यार, मतलब हार्दिक पांड्या इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा स्कोर पहुंचाया, बट क्या हो गया? मतलब नहीं, बॉलर्स साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। मस्त आइडिया है सर, है ना? हाँ सर, मैं यूट्यूब पर गया, मेरे 60 मिनट्स पूरे हो गए। अरे दिव्यम, क्या क्या बातें करता दिव्यम तू। हाँ 60 मिनट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं, अभी झूठ बोलता है। हाँ दिव्यम, देखो चैट बॉक्स में क्या लिख रहा है, सर मैं यूट्यूब पर चले गया क्योंकि मेरे 60 मिनट्स खत्म हो गए। हो गया बेटा, वो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कुछ, अभी आ जा। ठीक है ओके, चलिए कोई बात नहीं। मैं गुप्ता, हेलो सर, प्लस स्टूडेंट, हेलो हाउ आर यू। चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी अनलिमिटेड हो गया है बेटा। ठीक है, उसने ऐप को अपडेट नहीं किया होगा, है ना? यस, फर्स्ट टाइम आपका क्लास ले रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है सर जब आप पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मौर्या जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चा पार्टी, शुरुआत करते हैं, आज रिवीजन की शुरुआत करेंगे, बीसीके चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। सो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज अपन शुरुआत करेंगे कौन से टॉपिक से। बजाज ऑटो से स्टार्ट करें आज। बजाज ऑटो, कल अपन ने एप्पल कर दिया था, कल अपन ने वॉलमार्ट भी कर लिया था, आज बजाज ऑटो से शुरुआत करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? ठीक है ओके। तो हमारा बजाज, हमारा बजाज। तो बजाज ऑटो जो है ये कंपनी राजस्थान में शुरू हुई थी। कहां पर? राजस्थान में शुरू हुई थी। किसने शुरू करी थी इस कंपनी को? इस कंपनी को शुरू किया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने इस कंपनी को शुरू किया था। तो जमनालाल बजाज ने इस कंपनी को कब शुरू किया था? 1940 में इस कंपनी को शुरू किया था, लेकिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1945 में। और ये कंपनी के अभी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है, पुणे। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, देखो हाँ, मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यू है 1940 फाउंडेड, ये एमसीक्यू है 1945 क्या इनकॉर्पोरेटेड, ये एमसीक्यू है पुणे, ये एमसीक्यू है फाउंडर मेंबर, ये भी एमसीक्यू है राजस्थान में फाउंड हुआ था, राजस्थान में शुरुआत करी थी। ठीक है,
फिर आपको याद रखना होगा किस किसका, राहुल इज अ चेयरमैन, राहुल इज अ चेयरमैन, राजीव इज द सीईओ। तो राहुल बजाज जो है वो अभी हमारे बीच नहीं है बेटा, लेकिन हमको कोई अपडेट नहीं आया है, बुक में अपडेट नहीं आया है। वैसे मुझे पता है कि कौन है अभी चेयरमैन, लेकिन हम लोग इसी के साथ जाएंगे अभी भी। तो ये है चेयरपर्सन, ठीक है, और ये कौन है, सीईओ है बजाज के, ठीक है, यस ये है सीईओ। सो ये रहा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। फिर यहाँ पर मुझे कुछ बजाज की गाड़ियों का नाम बताना तुम लोग। बजाज की गाड़ी का नाम है क्यूट, क्यूट उनकी गाड़ी का नाम है, प्लाटिना उनके गाड़ी का नाम है, फिर पल्सर भी बजाज की है, ठीक है, एवेंजर भी बजाज का है, सिटी 100 भी बजाज का है, V12, V15 भी बजाज का है, ठीक है। सो ये है कुछ इस तरीके से, डोमिनर भी बजाज का है। देन बजाज जो है ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मनु, थर्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मनु है ये, थर्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मनु मतलब थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो आरई मैक्सिमा, आरई ऑप्टिमा लिख दो यहाँ पर, आरई मैक्सिमा, आरई ऑप्टिमा, आरई मैक्सिमा, आरई ऑप्टिमा, ये उनके थ्री व्हीलरों का नाम है, ठीक है। दैट्स इट, हो गया है बजाज हमारा, शुरू होते से ही खत्म, राइट। आरी मैक्सिमा, आरी, यस सर, आपके पास पल्सर बाइक थी ना जब आप स्टूडेंट थे, तुम्हें कैसे पता? नहीं एक्चुअली है मेरे पास, मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ, है लेकिन मेरे पास, ठीक है। सब बुक में वर्ल्ड लार्जेस्ट लिखा है, आपने थर्ड लार्जेस्ट लिखा है। ओ भाई एक सेकेंड, गलती से हो गया वो, ठीक है। लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चर है, मुझे वो थ्री व्हीलर लिख रहा था, मैंने थर्ड लिख दिया गलती से, थैंक यू सो मच दिव्यम, मैंने वो गलती से लिख दिया, ठीक है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एक्सिस है, ये गलती से हुआ है, एब्सोल्युटली गलती से हुआ है ये, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लार्जेस्ट लेकिन लिख रहा हूँ थर्ड लार्जेस्ट, चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, चलिए ऑसम, आगे बढ़ते हैं। ओके सो वी आर डन विद द बजाज ऑटो लिमिटेड, अगली कंपनी की तरफ जाते हैं, बजाज पार्टी। ओके यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयुष पूछ रहा है कौन सी BMW, नॉर्मल बेटा, नॉर्मल वाली थी। अभी अपन बढ़ते हैं आगे, कौन सी कंपनी के साथ, रिलू मतलब रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्री के कौन है फाउंडर मेंबर, कौन है रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर मेंबर, कौन है फाउंडर मेंबर, कौन है, धीरू भाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी, धीरू भाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी, ठीक है। यस फिर क्या है मुकेश अंबानी इनके चेयरपर्सन, एमडी सीईओ मुकेश अंबानी, ठीक है। ये जो है ये मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। ग्रोथ इज लाइफ, ये उनका स्लोगन है, ग्रोथ इज लाइफ, ठीक है, ग्रोथ इज लाइफ,
ये कब फाउंड हुआ था? 1966 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। 1975 में इनका एक ब्रांड है टेक्सटाइल का जिसका नाम है विमल, राइट? यस, राइट 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 यस। तो यहां पर देखिए इन्होंने कौन से ब्रांड्स को एक्वायर किया था। इन्होंने डेन नेटवर्क्स को एक्वायर किया था, डेन नेटवर्क्स। इन्होंने फिर किसको किया है? और डेन नेटवर्क्स हो गया, और क्या है वो? हाथवे केबल्स है ना, हाथवे केबल्स। इनके चैनल्स के नाम क्या क्या है? कलर टीवी, कलर, देन आईबीएम, आईबीएन है या आईबीएम है? आईबीएन है, आईबीएन। देन हिस्ट्री टीवी 18, हिस्ट्री टीवी 18, ठीक है, सीएनएन, राइट, यस। तो नेटवर्क 18, वायोकॉम, मूवीज आती है ना वायोकॉम की, ये किसका है? और किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जी हाँ। इन्होंने सऊदी अरामको के साथ क्या किया है? जॉइंट वेंचर किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किया है। दैट्स इट बेटा, इसमें इतना ही काफी है आप लोगों को एग्जाम के लिए, इतना ही काफी है, राइट राइट। आपको याद रहेगा 1975, बोलो जुबा एमसीक्यू विमल, बोलो जुबा एमसीक्यू विमल, राइट। ये एक टेक्सटाइल का ब्रांड था, जी हाँ, ये एक टेक्सटाइल का ब्रांड था, ठीक है, यस। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अह 1973 किसका बताया, बोल रहा है बेटा, इनकॉर्पोरेशन ईयर, इनकॉर्पोरेशन 1973 बता रहा है भैया, जर्नल में है, एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पर हमारे मित्र है, यहाँ पर हमारे मित्र है बुनाल जी, बुनाल जी बोल रहे हैं सर जर्नल में एक बार चेक करो, ठीक है, जर्नल में एक बार देखते, स्टूडेंट जर्नल में। ICAI पोर्टल पर हम लोग जा रहे हैं, जिसको पता नहीं कैसे देखते, मैं बताता हूँ। देखो बेटा स्टूडेंट, यहाँ पर BOS पोर्टल में जाने का है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर एक यहाँ पर आपको जाने के बाद स्टूडेंट जर्नल पर जाना है। स्टूडेंट जर्नल पर जाने के बाद May 22 का यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड शेयर करता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ, तुम लोग को भी दिखेगा। ओके, दिख रहा है अभी ये स्टूडेंट जर्नल, ठीक है, ये है तुम्हारा May 22 का जर्नल। अब May 22 में मैं लेकर चलता हूँ तुमको यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, और यहां पर हम देख पा रहे हैं, ओह माय गॉड, यस, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1973, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है यहां पर, और ये देखिए यहां पर है 1973, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड ना, गाइस मैंने शेयर किया था, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड फिर से बताता हूँ, एक सेकेंड, यस। तो ये देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर 1973, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, ये बिल्कुल सही जवाब कुणाल चौहान। तो आपको हमेशा स्टूडेंट जर्नल को भी आजू बाजू रखना है, ठीक है, वेरी वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, एक करेक्शन कर देते हैं, ठीक है, ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके। वैसा पार्टी तुम लोग मुझे बीच बीच में स्कोर बता सकते हो, मैं तुम्हें मैच नहीं बता सकता हूं तो क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे स्कोर बता सकते हो, ठीक है, तो बता देना, मतलब बीच बीच में, कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में, ठीक है, यस,
ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, 124 पे नो विकेट, दिस इज सो बैड। कोई बात नहीं, अगली कंपनी करते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अदानी। अदानी अदानी, ठीक है। अभी मुझे तुम अदानी दो कंपनी होने के बाद बताना, और ठीक है। यस, अदानी 1998 इनकॉर्पोरेटेड, गौतम भाई अदानी, ठीक है, गौतम भाई शांतिलाल अदानी, ठीक है, ये कौन है चेयर, और करण अदानी, करण अदानी ये कौन है सीईओ, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे, मुंद्रा लार्जेस्ट पोर्ट, मुंद्रा लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है। राइट, यस। और क्या याद रखोगे, इसमें अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। हाँ, रणवीर सिंह कहां पर जा रहा है बेटा, रोज तो ऐसे ही करता है, आधी क्लास में आता है फिर कहता है भाई सर क्या, किधर जा रहा है भाई। यस, तो यहां पर देखिए, दीपक माहेश्वरी इज द सीएफओ, दीपक भैया, दीपक माहेश्वरी, ठीक है, इतना ही याद रखना है तुमको, ठीक है, इतना ही याद रखना है। नेट स्लो है तुम्हारा, अच्छा, ओके। हाँ, और क्या याद रखोगे, 1998 हो गया, अदानी जी हो गया, गौतम भाई अदानी, करण अदानी, दीपक माहेश्वरी, अहमदाबाद, मुंद्रा को याद रखना है, और SEZ का फुल फॉर्म याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट राइट, बाद में देख लूंगा, ठीक है बेटा। निशांत पाठक बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, क्या करे अभी, है ना, क्या करे मतलब। चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ, सो हो गया हमारा, अदानी भी हो गया, अदानी भी थई गयू, ठीक है, देन रिलायंस थई गयू, देन बजाज ऑटो थई गयू। तो मेरे साथ फटाफट बोलो यार, एकदम ऐसे पूरा की पूरा एकदम फास्ट होना चाहिए। चलो, कमर एवरीवन, बजाज ऑटो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बजाज जो है ये राजस्थान में शुरू हुआ था, अभी उनके हेडक्वार्टर पुणे में है, जमना लाल बजाज इनके फाउंडर मेंबर है, राहुल बजाज इज द चेयरपर्सन, राजीव बजाज इज द सीईओ, एंड ये लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और यहाँ पर प्लाटिना पल्सर, देन एवेंजर, V12, V15, डोमिनर, आरी मैक्सिमा, आरी ऑप्टिमा, ये इनके सारे के सारे गाड़ियों के नाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी, एन से पकला लंबानी, बोलो धीरू भाई अंबानी, एन से पकला लंबानी, बोलो धीरू भाई अंबानी, एन से पकला लंबानी, द फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी, मुकेश अंबानी इज द एमडी सीईओ, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है, ग्रोथ इज लाइफ, 1973 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1975 में ये विमल इनका ये जो ब्रांड है, 1973 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1975 में विमल इनका पहला ब्रांड आया था टेक्सटाइल वाला, ठीक है। इन्होंने एक्वायर किया था डेन नेटवर्क्स को, हाथे केबल्स को, कलर टीवी, आईबीएन टीवी 18, टीवी नेटवर्क 18, देन नेटवर्क 18, देन सीएनएन न्यूज, देन वायोकॉम, ये कुछ उनके चैनल्स हैं। इनके इन्होंने सऊदी अरब को माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक के साथ क्या क्या जॉइंट वेंचर्स एंड अलायंसेस बनाए हैं, राइट। यस, सो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, अदानी जो है 1998 में इनकी कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, गौतम भाई अदानी चेयर है, करण अदानी सीईओ है, दीपक माहेश्वरी सीएफओ है, अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर्स है, SEZ का फुल फॉर्म है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और लार्जेस्ट पोर्ट कहां पर है, लार्जेस्ट पोर्ट इज इन मुंद्रा, मुंद्रा मुंद्रा, ठीक है। यस, ओके, चलिए चलिए एवरीवन, लक्ष्य दिया, लक्ष्य दिया, लक्ष्य दिया, चलिए
खेल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये हो गया है। सो यू अमेजिंग टीचर, थैंक यू सो मच अनामिका। कौन सी नेक्स्ट कंपनी यार बोलिए फटाफट? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुआ था बच्चों? फाड़ी, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट 1990 में इंडिया में आया था। कब? 1990 में इंडिया में आया था। और इनके जो कौन है फाउंडर मेंबर कौन है? अरे फाउंडर मेंबर कौन है इसके बताइए मेरे को, बहुत ही जाने माने व्यक्ति है। बोलिए यार, कम ऑन एवरीवन, आई नीड योर अटेंशन, बताइए। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, बिली भैया, ठीक है बिली भैया, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है, यस। तो ये इनके फाउंडर मेंबर है, राइट। मुझे बताना मजा पार्टी। और माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या भाऊ, सत्या नडेला, ठीक है। ओके। और इन्होंने किसको एक्वायर किया था? इन्होंने नोकिया को एक्वायर किया था, लिंक इनको एक्वायर किया था, और इन्होंने स्काइप को भी एक्वायर किया था, स्काइप, ठीक है, यस। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये जनरली किसमें काम करता है? इनका मेन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में है, इनका मेन जो बिजनेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है। इनके जो काफी फेमस है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज वेल। तो कोई भी ऑफिस में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो फिर क्या ही तो है? कोई भी ऑफिस का काम चल नहीं सकता है विंडोज के बिना। तो इनका विंडोज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफी फेमस है। इनके क्लाउड सर्विसेज भी होते हैं अजूर नाम से, अजूर। इनके हेडक्वार्टर्स किधर है? वॉशिंगटन में इनके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, वॉशिंगटन में इनके हेडक्वार्टर्स है, वॉशिंगटन में, यस। जॉन थॉमसन इज अ चेयर, बिल्कुल सही बेटा, जॉन भैया, जॉन थॉमसन, ये कौन है? जॉन थॉमसन इज अ चेयर, जॉन थॉमसन इज अ चेयर, चेयर 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 चेयर, राइट, यस। और क्या है? इतना ही करो यार, इतना ही करो, मतलब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यस। क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? अगली बार तुमको पता चलेगा क्लाउड सर्विसेज क्या है, अगले साल मतलब इंटरव्यू में पता चलेगा, ठीक है, क्लाउड। अरे बेटा जो तुम ये लेक्चर देख रहे हो ना अभी, ये सर्वर ना क्लाउड पर है, यू कैन हैव एनीवेयर एक्सेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? क्लाउड, क्लाउड्स, क्लाउड, क्लाउड्स, बेटा अभी ठीक है, अभी हो गया, अभी मैच गया अपना, ठीक है, अभी दुख मना लेना, ठीक है, रो लेना थोड़ा सा, और क्या कुछ नहीं कर सकते अपन, इट्स अ गेम, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, इट्स अ गेम एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, यस। कृष्णा कह रहा है सर आई डीड द चार्ट ऑफ ऑल कंपनीज, ये देखो बेटा यहाँ पर तुमको चार्ट चाहिए है, स्टूडेंट जर्नल में जाना और देखना बेटा, यहाँ पर ये तुमको चार्ट मिलेगा, रे रहा चार्ट, ठीक है, और चार्ट चाहिए मुझे एक वॉट बेटा, सब कुछ लर्न नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जितने मैं एमसीक्यूज बताता हूँ उतने ही एमसीक्यूज करने के, वही तुम्हारा चार्ट है और वही तुमको करना है, हर चैप्टर के चार चार पांच पांच छह छह जितने भी रहते हैं उतने में एमसीक्यूज बताता हूँ, उतना ही करने का, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं।
ठीक है. सो थर्ड इन द एम्प्लॉइज लिस्ट वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, थर्ड इन द वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, राइट, थर्ड रैंक. राइट, यस, हो गया माइक्रोसॉफ्ट भी, दैट्स इट. ठीक है, तो वॉशिंगटन में रहूंगा मैं. ठीक है, वॉशिंगटन 1975, 1990, इतना ही है, राइट. यस, आगे बढ़ते हैं. कौन सी कंपनी करे बताइए, आईटीसी. ठीक है, आईटीसी 1910 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी कोलकाता, कोलकाता में इनके हेडक्वार्टर्स हैं. कौन से पुरी है, संजीव पुरी. तो संजीव पुरी ही आई गेस तुम्हारे सीईओ है, और संजीव पुरी ही आई गेस तुम्हारे चेयरपर्सन है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज देखते हैं, चलिए देखते हैं आईटीसी कहां पर गया है. आईटीसी ये रहा है आईटीसी, एंड यस, संजीव पुरी. तो बिल्कुल सही है बेटा, संजीव पुरी ही है. सो चेयरपर्सन संजीव पुरी है, सीईओ भी संजीव पुरी है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसके अलावा आईटीसी के कुछ कंपनीज है, उनका नाम याद रहेगा आपको. आईटीसी के कुछ कंपनी क्या है, आईटीसी के कुछ कंपनी बोलिए ना. अरे बोलिए आईटीसी के कुछ कंपनी. सर, ऑन विच कंपनी बेसिस दे में आज द क्वेश्चन, आई मीन विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज. बेटा मैं इंपॉर्टेंट कंपनीज ही करवा रहा हूँ, और मेरा यूट्यूब का भी सेशन देखना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज भी मार्क करवा कर दिए हैं. प्राइवेट कंपनीज इंपॉर्टेंट होती है, और जो मैं लिखता हूँ ना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जो एमसीक्यू के लिए आ सकता है. वैसे तो बेटा पूरा की पूरा कंपनी तुम लोग लर्न कर नहीं सकते हो कृष्णा, तो आई गेस तुम बहुत ही फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा लेक्चर. ठीक है, तो ये जितना मैं लिखता हूँ ना आईटीसी की पूरा 2 पेज लिखा है उन्होंने, तो मैं जितने लिखे हुए 4-5 चीज है उतना ही आएगा. ठीक है, उतना ही करना है तुमको. चलिए, और क्या है, क्लासमेट आईटीसी का प्रोडक्ट है आशीर्वाद का आटा. और क्या है एशिया के फैब 50 कंपनी में आईटीसी आता है. यस, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो एशिया फैब 50. ठीक है, आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है, और एफएमसीजी का फुल फॉर्म तुम लोग को आना चाहिए, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड. इंपीरियल टोबैको कंपनी से वो क्या हो गया, इंडियन टोबैको कंपनी हो गया. पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल टोबैको कंपनी, अभी उसका नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, फिर अभी उसको सिर्फ आईटीसी लिमिटेड कहते हैं. और इनका एक जो चॉकलेट है जिसका नाम है फेबल, तो ये सबसे महंगा चॉकलेट है, ये है 4.3 लाख पर केजी का ये चॉकलेट है. 4.3 लाख पर केजी, कैन यू बिलीव दिस, राइट. तो ये कौन सा है, फेबल है. देन अगेन बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये भी किसका है, ये भी आईटीसी का है बिंगो. ठीक है, इंपीरियल टोबैको कंपनी, उसके बाद अभी इंडियन टोबैको कंपनी. ठीक है, यस, ये इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, बिल्कुल ये कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है ये. ठीक है, यस, बहुत सस्ती है चॉकलेट, जबरदस्त बेटा. ओके, तो बताइए अगली कंपनी कौन सी करेंगे. अगली कंपनी कौन सी, भारतीय एयरटेल. 1995 में कंपनी शुरू हुई थी,
सुनील मित्तल इज द चेयर. कौन है? सुनील मित्तल. ठीक है. देन गोपाल विट्ठल इज द सीईओ. गोपाल विट्ठल. सुनील मित्तल, गोपाल विट्ठल, सुनील मित्तल, गोपाल विट्ठल, राइट. तो सुनील मित्तल इज अ चेयर, गोपाल विट्ठल इज द सीईओ, राइट. ये कंपनी जो है इनका स्लोगन बड़ा ही अमेजिंग है. क्या है पता है आपको? विन कस्टमर्स फॉर लाइफ. विन कस्टमर्स फॉर लाइफ. तो यहां पर और लगा देता हूं आगे, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ. हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, राइट. यस. तो यहां पर याद रखना, यहां पर बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं विट्ठल मित्तल में. और मित्तल जी जो है ये है चेयर, चेयरपर्सन, और विट्ठल जी जो है ये है सीईओ. बच्चे जनरली अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है सर, इंडिया हार गई, हार गई. हे भगवान, कई हुई गयो, कई हुई गयो. एक विकेट तो भी गई है उनकी, एक विकेट गई उनकी या एक भी नहीं गई? ओ माय गॉड, नहीं गया. बहुत ही खतरनाक हारे मतलब हम लोग. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है बेटा. जीरो आउट. ओ माय गॉड, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है. ठीक है. इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप बट वी पास द फाउंडेशन. यस अशोक कुमार, बिल्कुल सही कह रहे हो. इंडिया वर्ल्ड कप हार गया है लेकिन हमें अभी फाउंडेशन जीतना है. तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर. ठीक है. इंडिया रिलेशनशिप विद सेमीज इज नॉट वर्किंग एनी मोर, है ना. ऐसे लगा था कि चलो न्यूजीलैंड नहीं है सेमीफाइनल में तो शायद जीत जाए, और पाकिस्तान फाइनल में चले गया है तो फिर डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान ही होगा. ऐसे तो ऑलरेडी प्रेडिक्शंस कर रहे थे लोग, नहीं ऐसे ऑलरेडी प्रेडिक्शंस कर रहे थे, बट कोई बात नहीं. ये लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है, यस, एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन इंडिया. Largest mobile operator in India and third largest in the world. दीपिका शर्मा कह रही है तुम सब अपने मैच पर ध्यान दो जिसका वर्ल्ड कप 14th दिसंबर को है, राइट. तो यहाँ पर सारे बच्चे एकदम भावुक होते हुए. एंड सर फाइनल भी अब इंग्लैंड ही जीतना चाहिए सर. जबरदस्त भाई, मैं क्या बोलू, मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. ठीक है. मैं समझ गया तुम्हारी मन की भावनाओं को. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया भारती एयरटेल. ठीक है. चलिए ओके ओके ओके. कौन सी कंपनी करे अभी? ऑल द न्यू कमर्स ओवर हियर, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ओवर हियर, लेट मी टेल यू, जो भी हम लोग यहां पर लिखते हैं ना तो यही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. Sir, I need more information about the subject, study tricks, means how to study and all by attending your class. I got to know that you will sure guide me about it after completing this class. Please tell, sir. Krishna, Krishna, first of all, tell me, tum kaun se attempts ke liye padh rahe ho? I hope that, I just think that you are May 23 student, right?
तो मई 23 स्टूडेंट हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे के सारे डिटेल में एकदम स्क्रैच से जीरो से सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, व्हाट यू शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाट नॉट, तो हम तुम्हें एकदम बता देंगे। ये रिविजनरी लेक्चर चल रहा है दिसंबर 22 वालों के लिए, जो कि तुम्हारे सीनियर है उनके लिए ये क्या है, ये उनका रिविजनरी सेशन है, ठीक है। सो तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे YouTube पर 14 से क्लासेस शुरू होने वाले हैं। चलिए गोल्डमैन खोल लेते हैं, चलो गोल्डमैन कर देते हैं खत्म, ठीक है गोल्डमैन खत्म कर देते, एक ही कंपनी बची तेरा। अच्छा कृष्णा तुम भी दिसंबर अटेम्प्ट वाले हो, तो तुम्हें इस चैप्टर की ट्रिक चाहिए या पूरे सब्जेक्ट की ट्रिक चाहिए या फिर पूरा की पूरा, या फिर पूरा की पूरा तुमको किसका ट्रिक चाहिए तो बता दो यार, मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, ट्रिक कौन सा चाहिए बेटा, सब्जेक्ट का चाहिए या फिर चैप्टर का चाहिए या फिर पूरा पूरा फाउंडेशन का चाहिए। गोल्डमैन ये रहा बचा पार्टी आपके सामने। आई नीड ट्रिक सर अबाउट हाउ टीचिंग टू योर स्टूडेंट्स नाउ, है रिश्ता बेटा यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, हाउ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, भाई समझ नहीं पा रहे बेटा क्या कह रहे हो तुम। मैं तुमको सिंपल पूछा, तुमको इस चैप्टर का ट्रिक चाहिए, इस सब्जेक्ट का ट्रिक चाहिए या फिर पूरा फाउंडेशन का ट्रिक चाहिए। आज ग्राफ रिविजन नहीं हुई थी क्योंकि आज मई 23 वालों के लिए एक सेशन मैंने रखा था इसलिए, ठीक है। तो देखिए गोल्डमैन 1869 में, गोल्डमैन 1869 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, यहां पर उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, एंड मार्कस गोल्डमैन एंड सैम्यूल सच, सो गोल्डमैन सच इज द कंपनी, then Marcus Goldman and Samuel Such is the are the founder of the company, ठीक है। Marcus Goldman, Samuel Such, David Solomon is the CEO and the chairman of the company, founder कौन है, Marcus Goldman, Samuel Such, तो यहां पर देखिए ये आपको याद रखना है 1869, न्यूयॉर्क भी आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, फाउंडर मेंबर का नाम याद रखना है एंड सीईओ एंड चेयरमैन का। ये कंपनी का काम क्या था सर, ये कंपनी बेटा मर्जर्स एक्विजिशंस के जो काम होते हैं, वैल्यूएशन के काम जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना वो ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी जो है ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है, इट इज प्रोवाइडिंग investment banking securities and investment management services to a substantial and the diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments, high net worth individual. Founded in 1869, the firm is headquartered in New York and maintains offices in England, Frankfurt, टोक्यो, हांगकांग। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये कौन सी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। आपको इस पर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, तो आपको लिखना होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, ठीक है। क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है ये, ठीक है। ओके सर 30 डे स्ट्रेटजी का वीडियो कब आएगा, आएगा बेटा 30 डे स्ट्रेटजी का वीडियो एक दो दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये देखो सर्विसेज कौन सी, देखो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज असेट मैनेजमेंट, प्राइम ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग, एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
तो ये सारे टाइप की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि हम लोग इस कंपनी में काम करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ ज्यादा याद रखने लायक था नहीं, ज्यादा कुछ याद रखने लायक था नहीं। तो आप लोग क्या क्या याद रखोगे? फाउंडर मेंबर का नाम याद रखना, इनका काम क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वो याद रखना, ठीक है। फिर 1869 न्यूयॉर्क एंड डेविड सोलोमन को याद रखना, दैट्स इट। समझ रहा है बच्चा? पार्टी हो गया, गोल्डमैन भी। पांच एमसीक्यूज याद रखने बेसिकली तुम्हें इसमें, ओनली 5 MCQs। ठीक है, यस। अभी मैं लेकर चलता हूं आपको दूसरी कंपनी की तरफ जिसका नाम है एचपी, हेवलेट एंड पैकार्ड। ये एचपी लैपटॉप जो है ना, वो वाली कंपनी है ये। सो 1939 में ये कंपनी शुरू हुई थी। कब? 1939 में। कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स है। चीप बर्क इज द चेयरपर्सन एंड एनरिक लॉर्स इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। यहां पर ये कंपनी जो है, ये देखो, ये एक छोटे से वन कार गैरेज इन द पोलो ऑल्टो बाय विलियम बिल रेडिंगटन हेवलेट। ठीक है, क्या है? विलियम बिल रेडिंगटन हेवलेट इन्होंने शुरू करी थी, एंड उनके साथ कौन थे? डेविड डेव पैकार्ड। तो इसलिए इस कंपनी का नाम क्या है? हेवलेट एंड पैकार्ड। तो ये दो लोगों ने मिलकर शुरू करी थी। कौन कौन? विलियम बिल रेडिंगटन हेवलेट एंड डेविड डेव पैकार्ड। कृष्णा तुम कहां से हो यार? कृष्णा मतलब कृष्णा, ये क्या बोल रहा है? कृष्णा स्पेशल क्लास पर है लड़का। सर जस्ट नाउ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइक दैट, आई ओनली नीड एवरी कंपनी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन सर। यू नीड, दैट्स ट्रू, बट फॉर दैट यू नीड टू सी द लेक्चर्स। जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवाए हैं, गो एंड सी द लेक्चर्स, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज वी हैव सीन राइट नाउ, as you have seen right now that for Goldman we have done 5 MCQs, for every single company we have marked the important, bhai. So you have to go and you have to see the lecture. Ek lecture mein you came over here and you are asking me, and I will each and everything I will mark in this single lecture. This is not possible, man. You need to see the lectures on the YouTube, man. I'm trying to tell you again and again, you're asking me the same question. Tell me important. How can I tell you important in one single lecture? Okay. चलिए, कितने शांति से आराम से मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है? Yes, okay. तो यहां पर let's see. We have to go on the let us check over here. Which company? HP. So HP में Charles Vector Berg is a chairperson, right? ये देखिए यहाँ पर Charles Vector Berg. So you have to write down over here. Chairperson is changed. So Charles Vector Berg. Right? Yes. Okay. So guys, यहाँ पर try to understand. जब every है, तो ये कौन सी कंपनी है? HP समझ लेना, ठीक है? देखो यहाँ पर इनका विजन क्या है? To create the technology that makes the life for everyone. Everywhere, every person, every organization, every community around the globe, बहुत ही amazing जिसकी life बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी कंपनी का विजन है, एचपी का, एवरी 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 एवरी, राइट सर, मॉड्यूल में है वो करना है या फिर आप जो अपडेटेड बता रहे हो वो करना है? बेटा जो मैं अपडेटेड बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है, क्योंकि 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 स्टूडेंट जर्नल में ये अपडेटेड वाले जो है ये आए हैं, तो जाते कैसे हैं वो भी मैंने बता दिया है आपको। ICAI के पोर्टल पर जाना होगा, स्टूडेंट पोर्टल पर, वहां पर BOS पोर्टल में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं क्यों करूंगा ऐसे, मतलब अगर तुमको बुक का करना रहता तो तुम्हें इतनी मेहनत क्यों लेता था, ऑब्वियसली, राइट। हेलो सर कैसे हो, हम जून 22 के यूट्यूब के स्टूडेंट से आपको बहुत मिस कर रहे थे अभी, इसलिए आपकी क्लास देखते आ गए मिलने। ओह दैट्स सो अमेजिंग सागर, दैट्स सो अमेजिंग यार, कैसे हो भाई, कैसी चल रही पढ़ाई, कैसा चल रहा है इंटर, जून 22 के स्टूडेंट्स थे, दैट्स सो गुड टू सी यू। अच्छा चल रहा है, वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, amazing, so very soon we are going to meet in group 2, right, so okay, moving forward, sir India lost the match, I know, mujhe pata chala India lost the match, yahan par bacche bata rahe the YouTube par, koi baat nahi beta jaane do, टेंशन ना लो, ठीक है, यस, सो और तुम लोग एचपी में क्या करोगे, और एचपी में बेटा कुछ नहीं है करने लायक, दैट्स इट, उतना ही है। अब देखता है यहाँ पर IBM 1911 याद रखना, अरविंद कृष्णा याद रखना, न्यूयॉर्क भी याद रखना, ठीक है, देन इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, ये भी याद रखना, ठीक है, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, राइट राइट, ये एक अमेरिकन मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कंपनी के नाम पर सबसे ज्यादा पेटेंट्स है, ये कंपनी के नाम पर सबसे ज्यादा पेटेंट्स है, पेटेंट्स, बहुत अमेजिंग कंपनी है ये इंडिया में 1992 में आई थी, ये भी याद रखना, इंडिया में कब आई थी कंपनी, 1992 में ये कंपनी इंडिया में आई थी, राइट, यस, इन्होंने ही एटीएम बनाया है, इन्होंने ही बारकोड बनाया है, ठीक है, इन्होंने ही बहुत सारे इनोवेशन किए, बहुत सारे, ठीक है, ये देखो कितने सारे चीजों में काम करती है ये कंपनी, Tech giant IBM said that it has received the record of 9262 US patents in 2009. India being the second highest contributor. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर दर्द इंडिया मैच हारने का, लेकिन अभी क्या करें बेटा, क्या करें हम लोग, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्या क्या ही तो कर सकते हैं यार, आफ्टर ऑल इट इज अ गेम, समवन हैज टू विन, समवन हैज टू लूज, यही तो संसार का नियम है, राइट, यही तो संसार का नियम है, तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया है हमारा, चलिए अब ना, अब है बारी, क्या है, अब रैंडम 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 करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्या बोलती पब्लिक,
अब थोड़ा रैंडम एमसीक्यूज लेके, रैंडम एमसीक्यूज। यस, रैंडम एमसीक्यूज के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? मुझे बताना 1990 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? इन द ईयर 1990, इन द ईयर 1990 कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? माइक्रोसॉफ्ट। वेरी गुड प्रिंस, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। मुझे आप लोग बताओगे 1923 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? 1923 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? बाहर की कंपनी, बाहर की कंपनी कौन सी इंडिया में आई थी 1923 में, बताइए। वेरी वेरी गुड, नेस्ले, 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 राइट। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर नेस्ले। मुझे बताना 1921 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? 1921, 1921, 1921 कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी 1921? वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। ठीक है, तो यहां पर वी हैव जस्ट चेक इट आउट कि माइक्रोसॉफ्ट, देन नेस्ले, देन यहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस। मुझे बताना 2009 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? 2009, 2000, 2009 में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? इंडिया, इंडिया वाले बॉल वॉच। ऑसम, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी कंपनी 1992 में इंडिया में आई थी? 1992 में IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ओके, तो ये सारे कंपनीज इंडिया में आने के साल मैंने यहाँ पर लिख कर दिए हैं, आ सकता है एग्जाम में, पता नहीं, राइट। मुझे बताना गुड फूड गुड लाइफ, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है? गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले, 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 नेस्ले। कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी? वेरी गुड दिव्यम, अमेजॉन, अमेजॉन। अमेजॉन, राइट 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 राइट। ओके, देन 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 केयरिंग फॉर लाइफ, ये किसका स्लोगन है? केयरिंग फॉर लाइफ, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है? वेरी गुड दिव्यम जैन, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सिप्ला, 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 राइट राइट। केयरिंग फॉर लाइफ, केयरिंग फॉर लाइफ, केयरिंग फॉर लाइफ। मुझे आप लोग बताओगे ग्रोथ इज लाइफ, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है? रिलू रिलू, ये रिलू रिलू क्या है? ये रिलू रिलू, हाँ देख रहा हूं बेटा, यूट्यूब पर भी देख रहा हूं मैं। यस, रिलू रिलू क्या है? ये रिलू रिलू, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। व्हेन Win customers for life, very good Sakshi, Sunil, then
Karthik. Karthik calling Karthik. Editor. सारे के सारे लाइफ से रिलेटेड है, देखो ना आयर नहीं, देखो तुम लोग सारे के सारे लाइफ से रिलेटेड है. गुड फूड, गुड लाइफ, केयरिंग फॉर लाइफ, ग्रोथ इज लाइफ, विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, एवरीथिंग लाइफ, लाइफ लाइफ. ठीक है, थिंक डिफरेंटली, थिंक डिफरेंट. ओके, An apple a day keeps a doctor away. An apple a day keeps a doctor away, right? Yes. अभी तुम लोग मैंने बताओगे. Third largest private sector bank. Very, 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 very good, Prince. Access. मुझे आप लोग बताओगे largest information technology company by revenue, largest information technology company by revenue. Largest information technology company by revenue. फिर क्या है? The largest three wheeler manufacturing company. Largest three wheeler manufacturing company. Bajaj. Very good. मुझे बताना. Second largest mobile manufacturing company after Samsung. Second largest mobile manufacturing company after Samsung. Apple. Very, 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 very good. Awesome. So guys and girls out there, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है. लेकिन 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 जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग मिल रहे हैं फिर से दोबारा कितने बजे, 6 बजे शाम को. क्विज स्पेशल क्लास पर हम लोग मिलने वाले हैं. सो बी देयर ऑन स्पेशल क्लास. कितने बजे? 6 बजे. लेकिन जाने से पहले बच्चा पार्टी एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना होगा तो एब्सोल्युटली दे कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. आप लोगों को जाना होगा अनएकेडमी के वेबसाइट पर. आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पर करना होगा क्लिक. एज सून एज यू क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग यू हैव टू चेक इट आउट ओवर your goal, right? आपको आपका गोल सिलेक्ट करना होगा जो कि है CA Foundation. And जैसे आप लोग CA Foundation पर क्लिक करते हो, आप लोग देख सकते हो get subscription पर आपको करना होगा क्लिक. As soon as you click on get subscription, light, plus and iconic. Light में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है. लेकिन plus and iconic में यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं. इंटरक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ एंड लाइव टेस्टिंग क्विजेस. और यहाँ पर कुछ चीजें मिलती है आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. यू कैन यूज द कोड दैट इज DAGA10 एंड एज सून एज यू क्लिक ओवर हियर यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. 3 months, 6 months, 12 months, 18 months and 24 months subscription. Iconic subscription की details भी आपके सामने है और यहाँ पर light की details भी आपके सामने है. So you can just check it out and you can just get started with your plus classes. If any of your junior even he want to take the subscription, he can go for it. यहाँ पर वो combo के साथ भी जा सकता है. 3 months, 6 months का subscription only costing you 13,050. So guys, you can think about it. You can use my code and you can just get started with your plus classes. ठीक है? So code याद रखिए. आपके juniors को भी जरूर बताइएगा कैसे पढ़ाती है तुम्हारी बाहुबली team. And definitely do tell them if they want to join. We are starting the batch from 24th of November on plus. So 24th of November से plus की class शुरू हो रही है. You can convey your message, this message to your juniors as well. ठीक है?
थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग 6 बजे।